नाम राजन पंडित, पेशा टिकटॉक का दीवाना, आरोप महिला से यौन शोषण, मुकदमा अब तक 4 मुकदमे दर्ज, शौक महंगी गाड़ियों और बंदूक का। अब उसे फिल्मी एक्टर कहें, उसे डांसर कहें, उसे अपराधी कहें, उसे टिकटॉक स्टार कहें या फिर उसे सनकी कहें, जो भी चाहे आप उसे पुकार सकते हैं, क्योंकि वो इस पर बुरा नहीं मानता बल्कि खुश होता है, क्योंकि वो डंके की चोट पर कहता है कि उसे नायक नहीं खलनायक बनना है। वो कभी पुलिस को खुलेआम चुनौती देता है, वो कभी सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता है, वो जेल से छूटने के बाद खुलेआम डेमो देता है कि कैसे पुलिस की हथकड़ी भी उसे कैद नहीं कर सकती। उसकी फेवरेट फिल्म है खलनायक, फेवरेट एक्टर है संजय दत्त और फेवरेट शौक गुंडागर्दी। संजय दत्त रियल लाइफ के खलनायक है, लेकिन खुद को रियल लाइफ का खलनायक बताने वाला ये टिकटॉक स्टार राजन पंडित, जो कि फिल्मी कीड़े के नाम से मशहूर है, ये वीडियो में भी बंदूक के साथ खेलता है और असल जिंदगी में भी ये बंदूक का शौक रखता है। क्योंकि दानवों भगवान डांस और एक्टिंग के अलावा इन जनाब पर एक और शौक का आरोप है, आरोप है कि लड़कियों को शादी का झांसा देने का। आरोप है कि ये पहले सोशल मीडिया साइट से लड़कियों को फंसाता है, शादी का झांसा देता है और फिर नापाक हरकतों को अंजाम देता है। मामना का, भगत, रावण का, चिल्ला, परशुराम का। अब उस पर 3 लड़कियों ने केस दर्ज कराया है। सोशल मीडिया के जरिए फंसाना, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, उससे पैसे ऐंठने जैसा आरोप है। पीड़ित लड़की ने राजन के खिलाफ इंदिरा नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उसे जेल में भी टाल दिया था। लेकिन जेल से निकलने के बाद भी राजन पंडित अपनी आदत से बाज नहीं आया। जेल से निकलता ही उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला। उस वीडियो में गले में गेंदों की फूलों की मालाओं पहनकर किसी नेता की तरह वो रोड शो निकाल रहा है। जेल से निकलने के बाद उसे ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही नियम कायदे कानून का। जब ये वीडियो लखनऊ पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने टिकटॉक खलनायक पर FIR दर्ज किया। वैसे में सवाल ये है कि आखिर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ये लोग क्या सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर कुछ भी करने की हिमाकत करते हैं, या किसी को डरा सकते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी करने का लाइसेंस ले सकते हैं? खैर, टिकटॉक के इस खलनायक ने शायद खलनायक फिल्म का एंड नहीं देखा, यानी ये रील नहीं रियल लाइफ है, जहां योगी को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।